नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों हमारे YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गिरी, आप लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जुबेरगंज मंडी का है। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी दबा दीजिए कि ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों के पास पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, ये है जुबेरगंज मंडी। ये वीडियो हमारे पास पहले से ही था, इसमें लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बहुत से लोग कमेंट में कह रहे कि जो अपने पास वीडियो है पहले वाला, आप वही वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो भैया बहुत ढूंढने के बाद ये वीडियो मिला है हमारे पास। इसमें अच्छी खासी भैंस भी है, गाय भी है, बहुत ठीक ठाक भैंस की वीडियो बनाया है। देखिए दोस्तों, इसमें लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, इसके लिए पुराना वीडियो हमको अपलोड करना पड़ रहा है। और आज के दिन जुबेरगंज मंडी बाज़ार लगता है, आप लोग जानते हैं और जो ना जानते हों वो भी जान लें। ये रविवार के दिन बाज़ार लगता है, यानी हफ्ते में एक बार, यानी सिर्फ संडे के दिन बाज़ार लगता है। आप लोग ये भैंस देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में भैंस ये है, ये सेकेंड लोकेशन की भैंस ये, यानी सेकेंड टाइमर। ये भाई भैंस का वीडियो बना, जिसके मालक थे वीडियो नहीं बनाने देते थे, अभी आप साथ सुनेंगे आखिरी पर, ये वीडियो देखेंगे आप फुल, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी कि कैसे कैसे किसान भाई यहाँ पे आते हैं, कैसे कैसे व्यापारी आते हैं यहाँ पे, आप लोग खुद स्वयं जान जाएंगे अभी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए पूरा वीडियो जुबेरगंज मंडी का, पहले का वीडियो है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दिनेश कुमार वाले चैनल पर। इसका क्या दाम रखा गया है? इसका क्या दाम रखे भैया? 1.5 लाख। 1.5 लाख रखा गया है। दूध कितना भाई इसके पास है? भाई दूध कितना इसके पास? 15 लीटर दूध है, 15 लीटर, दाम है 1.5 लाख। है कौन से बेच की भाई है? अभी कई बेच गई, 2 लाख। भाई इसका क्या दाम भाई बता रहे हैं? भाई कौन इसका? जी जी, इसका क्या दाम बता रहे हैं? इस भैंस का? जी जी, पंचानवे का दाम 95,000 रुपया। भाई ये भी जो वाला बेच है भाई, पहला बेच है, दो दांत की पहला बेच है, 12 लीटर दूध। ये भी 6 दाते, ये 2 दाते छाते। इस भैंस का दाम 1.5 लाख रुपया भैंस का दाम ये है। जब हम तुझसे कल वीडियो ना बनाओ तब क्या वीडियो बनावत? दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बाजार है, छोटा बाजार नहीं है, यानी बहुत ठीक ठाक मार्केट है। यानी सूझबूझ से अगर आप गाय यहाँ गाय भैंस खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अगर बहुत जान समझ के खरीदेंगे आप तो, यानी बहुत जानकारी होनी चाहिए बाज़ार के अंदर खरीदने के लिए भैंस या गाय, तभी चाहे किसान हो, चाहे कोई डेयरी फार्म वाला हो या कोई बिजनेस करने वाला हो, तभी उनको प्रॉफिट होगा। इस ऐसे ही मंडी ठीक ठाक मंडी है, हम इसी मंडी से हम उठे थे। ज़्यादातर हमारा वीडियो इसी पे बनता है, जुबेरगंज मंडी से ही बनता है हमारा वीडियो, और हमारा चैनल इसी से बढ़ा है, जुबेरगंज मंडी से, इस गाय भैंस से। दोस्तों बहुत से लोग वीडियो हमारा नहीं देख रहे थे क्योंकि जुबेरगंज मंडी के बहुत से लोग फैन ज़्यादा हैं, हमें उम्मीद है कम से कम ये 20,000 या 23,000 लोग इसको देखेंगे आज के एक दिन, मैं जानता हूँ। क्योंकि जब और मैं किसी दूसरे वीडियो डालता हूँ तो बहुत ही कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम व्यूअर हमारा आता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बोर हो रहे होंगे इस लॉकडाउन में, इसलिए हमने इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ।
कि आप सभी भाई को कुछ टाइम पास हो जाए, कुछ जिबेल मंडी का वीडियो देख सकें आप लोग, कुछ मनोरंजन ले सकें और कुछ नॉलेज भी हो सके। इसमें नॉलेज क्या है, ज़्यादा तो दाम दुकान पूछ नहीं पाया गाय भैंस का, इसलिए तब भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे मिल जाइएगा जो ऊपर लिखा है राइट, क्योंकि मैं इस पर लिखूँगा आज का ताज़ा वीडियो ये है, क्योंकि मेरे पास मजबूरी के लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिनेश कुमार वाले चैनल पर अभी अपलोड हो रहा है, जो गाय भैंस खरीद कर बाज़ार से कहाँ पे अपलोडिंग करते हैं, कैसे लॉगिंग करते हैं, वो कहाँ बांधने का व्यवस्था है, कहाँ भैंस गाय आराम करती हैं, वहाँ का भी वीडियो बना के रखा हूँ मैं, उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिनेश कुमार जी, नमस्कार भाइयों।